आपको बता दें कि खैर नगर पालिका के चेयरमैन पंकज पंवार के द्वारा फर्जी अगरिया जाति का प्रमाण पत्र बनाकर अनुसूचित जाति के कोटे से खैर नगर पालिका का चुनाव जीता था, जिसको लेकर पालिका के पूर्व कर्मचारी राजेश चौधरी ने शासन प्रशासन से पालिका अध्यक्ष के फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत की थी। काफी लंबे समय के शिकायत का दौर चलता रहा, लेकिन चेयरमैन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित राजेश चौधरी ने शिकायत को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई तथा मुख्यमंत्री ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को आदेश दिए कि इस मामले को देखो। शिकायत पर कई बड़े अधिकारियों के आदेश हुए तथा शिकायत पर उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री गुलाबो देवी का आदेश हुआ, जिसमें पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुए, लेकिन मंत्री के आदेश भी पुलिस ने नहीं माना और पीड़ित राजेश मुकदमा दर्ज कराने के लिए दर दर भटकता रहा। पालिका अध्यक्ष पंकज पंवार के फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिला अधिकारी की एक कमेटी भी जांच के लिए गठित की गई, जिसमें पंकज पंवार को ठाकुर जाति का बताया गया। राजेश चौधरी की शिकायत पर जिला अधिकारी ने एसएसपी अलीगढ़ को आदेश किए कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए। उच्च अधिकारियों के आदेश पर खैर कोतवाली में पालिका अध्यक्ष पंवार के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 मुकदमा दर्ज किया गया। अब चेयरमैन पंकज पंवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तथा उन पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है। पूर्व में जाति प्रमाण पत्र जिला अधिकारी की जाँच से निरस्त हो गया था, अब मुकदमा दर्ज हो गया, अब चेयरमैन की जल्द गिरफ्तारी तय है। मुझे ये उम्मीद है योगी सरकार से निष्पक्ष कार्यवाही होगी और ये जेल भी जाएंगे। किस किस धाराओं में? 420, 467, 468 और 471 सभी धाराएं हैं, अग्रिम धाराएं और बढ़ाई जाएंगी। अभी किस मामले को लेकर हुई है? इन्होंने एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, अभी मैंने बताया, जैसा कि उन्होंने एक गैस एजेंसी ले रखी है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे और आगरा में विशिष्ट विभाग में नौकरी भी की है। इन सब चीजों को लेकर ये हुई है। आगे जो है बहुत डीएम की जांच वाँच हुई थी। हाँ, डीएम साहब की जांच हुई थी। डीएम साहब की जांच में ये निरस्त किया गया था इनका जाति प्रमाण पत्र, लेकिन अभी तहसीलदार खैर इनके एक जाति प्रमाण पत्र को नेट से निरस्त नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा मामला है, इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाने वाला हूँ। पंकज चौधरी, अलीगढ़, न्यूज़ टुडे।